अब्दुल रहीम राठर। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र है और सत्र का पहला दिन, और आपको बताएं कि ध्वनिमत से स्पीकर चुने गए हैं अब्दुल रहीम राठर। 7 बार के सांसद विधायक हैं, चरारे शरीफ से विधायक हैं राठर और 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। आपको बताएं कि ये बड़ी अपडेट, अब्दुल रहीम राठर जम्मू कश्मीर के स्पीकर चुने गए हैं। अब राठर के सियासी सफर को भी बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आपकी उस वक्त की देख रहे हैं जबकि ध्वनिमत के साथ अब्दुल रहीम राठर को विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। उनके सियासी सफर को देखते हुए, उनके राजनीतिक एक्सपीरियंस को देखते हुए, साथ साथ पॉलिटिकल करियर के अलावा उनका 7 बार का विधायक चुना जाना, यानी कि एक्सपीरियंस नेता है, सीनियर नेता है, और यही वजह है कि ध्वनिमत के साथ उन्हें अब विधायक चुना गया है। विधायक वो रहे हैं 7 बार के और अब स्पीकर चुना गया है अब्दुल रहीम राठर को। ध्वनिमत के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा का स्पीकर चुना गया। अब देखिए, स्पीकर की कुर्सी पर उन्हें बाकायदा बिठाया जा रहा है और उमर अब्दुल्ला, जो कि प्रोटोकॉल है चीफ मिनिस्टर, वो उन्हें पूरे सम्मान के साथ बिठाते हुए। तो अब्दुल रहीम राठर को ध्वनिमत के साथ विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जब उन्हें स्पीकर चुना गया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप किस तरीके से उन्हें स्पीकर चुना गया, और अगर उनके सियासी सफर की बात करें तो 7 बार के विधायक रहे हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं, और ये भी बहुत बड़ी वजह रही कि उन्हें जम्मू कश्मीर का। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ अब्दुल रहीम राठर को स्पीकर चुना गया, वहीं पहली तस्वीर में देखें कि जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, और कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे होना भी शुरू हो गया है। पहले सत्र की अध्यक्षता करेंगे अब्दुल रहीम राठर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए अध्यक्ष के तौर पर अब्दुल रहीम राठर का चयन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के विधायक हैं, और आपको बताएं वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, कोई पहली बार नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक अब्दुल रहीम राठर को अध्यक्ष चुना गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रोटेम स्पीकर को भी आपने तस्वीरों में देखा था, प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल चुने गए थे। विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर को नई जिम्मेदारी के लिए उन्होंने बधाई भी दी। आपको बताएं कि अगर अब्दुल रहीम राठर का जिक्र करें तो 80 साल के हैं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहले भी अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं। साल 2002 से साल 2008 तक विपक्ष के नेता भी रहे हैं, जब महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस गठबंधन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य में सरकार बनाई थी, तब भी इन्होंने पदभार संभाला था। तो उनका पॉलिटिकल करियर और उनका लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस, ये उन्हें एक सूटेबल कैंडिडेट बनाता है स्पीकर पर।